दोस्तों, आज हम दुनिया के एक ऐसे देश के बारे में जानेंगे जिसके बारे में सुनकर आप सच में सन्न रह जाएंगे कि ऐसा भी देश हमारी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। ये वो देश है जहाँ लड़कियों को मात्र 100 रुपए में अपने जिस्म को बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। बिल्कुल सही सुना आपने। और एक ऐसा देश जो आज भी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृत और सभ्यता के लिए दुनिया भर में मशहूर है, और यहाँ साल के 300 दिन से भी ज्यादा सूरज दिखाई देता है ना गजब। खैर दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूरोप के पूर्वोत्तर में स्थित बुल्गारिया के नीचे बसा एक अत्यंत ही खूबसूरत देश ग्रीस के बारे में 7 अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही जबरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। फैक्ट नंबर 1, ग्रीस देश को पहले यूनान देश के रूप में जाना जाता था, और इस देश की राजधानी एथेंस है, जो कि इस देश का सबसे घनी आबादी वाला शहर भी है। क्या आप जानते हैं कि इस देश की कुल जनसंख्या 1,07,00,000 के आसपास है, और इस देश की बोले जाने वाली भाषा ग्रीक है, पर इस देश में इंग्लिश को भी अच्छे से बोला और समझा जाता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि अन्य यूरोप देशों की तरह ही ग्रीस देश में भी मुद्रा को यूरो कहा जाता है, जो कि 1 यूरो की कीमत भारत के लगभग 90 रुपए के आसपास होता है। लेकिन ग्रीस की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस देश में भारत का एक मजदूर भी एक दिन का 25 यूरो मतलब कि 2,200 रुपए आसानी से एक दिन का कमा सकता है। जिसको महीने के हिसाब से देखा जाए तो भारत का एक मजदूर ग्रीस में हर महीने 730 यूरो यानी कि 66,000 रुपए कमा सकता है ना गजब। खैर फैक्ट नंबर 3, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि भले ही दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक देश ग्रीस ही हुआ करता था। यहाँ सदियों से यहाँ के लोग अपना नेता चुनते थे, और इस देश में राजनीति का ज्ञान होना ही बुद्धिमत्ता कहलाता था। जिसे राजनीति नहीं आती थी उसे मूर्ख की श्रेणी में रखा जाता था, है ना जी। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि ग्रीस देश में साल के 300 दिनों से भी ज्यादा दिन यानी धूप खिली रहती है। इसी वजह से यह देश पर्यटकों के लिए काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि इस देश में आप गर्म दिन और सुहानी हवादार रातों के अनोखे संगम को आप महसूस कर सकते हैं। ग्रीस की गर्मियां मई से लेकर अक्टूबर तक रहती है, इसलिए आप समुद्र और सूरज का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। इस देश में आपको सर्दियों के मौसम में पहाड़ों और खूबसूरत बर्फबारी देखने को आराम से मिल जाएगी। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि भले ही ग्रीस की आबादी 1,07 करोड़ क्यों ना हो, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस देश में हर साल 1,65,00,000 लोग घूमने आते हैं, जो कि इस देश की आबादी से काफी ज्यादा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ग्रीस देश की कुल क्षेत्रफल 1,31,957 वर्ग किलोमीटर है। फैक्ट नंबर 6, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि ग्रीस देश भी वैश्यवृत्ति से काफी ज्यादा प्रभावित है। क्या आपको पता है कि इस देश में आपको वैश्यवृत्ति के बहुत से ऐसे केस देखने को मिलते हैं जहां मात्र सैंडविच के दाम पर लड़कियां जिस्म फरोशी के धंधे में उतरने को मजबूर हैं। 2015 में आए भीषण आर्थिक मंदी में बहुत से लोग बेरोजगार हो गए, और 2020 में कोरोना काल के चलते इस देश को काफी प्रभावित किया। इस देश में लड़कियां मात्र 100 से 500 रुपए में ये काम करने को मजबूर हैं। फैक्ट नंबर 7, ग्रीस देश दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों की श्रेणी में से एक माना जाता है। इस देश के ज्यादातर घर सफेद और ब्लू कलर के होते हैं, और यह देश अन्य देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा ऐतिहासिक पुरातात्विक भी है। यही वजह रही है कि दुनिया का सबसे पहला ओलंपिक का आयोजन ग्रीस के दक्षिणी पश्चिमी तट के पास ओलंपिया में 776 ईसा पूर्व में किया गया था। यह देश खूबसूरत पहाड़ों, हरे भरे जंगलों और अत्यंत लुभावने समुद्री बीचों से भरा पड़ा है। तो दोस्तों, ये थी ग्रीस देश के बारे में कुछ जबरदस्त बातें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें। फिर मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।